फिल्मीप्लेक्स इज प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन। कहानी की शुरुआत में हमें डंबलडोर, प्रोफेसर मैकोनिगल और हैग्रिड को दिखाया जाता है, जो एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम हैरी पॉटर है उसे एक घर के बाहर छोड़ने के लिए आए हैं। दरअसल हैरी पॉटर के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वे हैरी पॉटर को उसकी मॉम की बहन के घर यानी उसकी आंट के घर छोड़कर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब 10 साल बीत जाते हैं। हैरी पॉटर अब कुछ बड़ा हो चुका है, उसे इस घर में कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, उससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। और इन 10 सालों में पहली बार हैरी पॉटर के लिए एक लेटर आया होता है, लेकिन उसके अंकल हैरी पॉटर को वो लेटर नहीं देते क्योंकि वो हैरी पॉटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर लेटर्स की बारिश होती है, लेकिन तब भी हैरी पॉटर को लेटर नहीं पढ़ने दिया जाता। और उसी रात को हैरी पॉटर की अंकल और आंटी उसे गाइलिन पर लेकर चले जाते हैं ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन जब रात होती है तो वहां पर हैग्रिड आता है। हैग्रिड वही है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था। उसके हाथ में केक होता है और वो हैरी पॉटर को कहता है कि आज तुम 11 साल के हो चुके हो। हैरी हैग्रिड को नहीं जानता, इसलिए हैग्रिड हैरी से पूछता है कि तुम हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में जानते हो। हैरी कहता है कि मैं हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही हैग्रिड हैरान हो जाता है और वो हैरी को बताता है कि वह जादूगरी का स्कूल है, तुम्हारे माता पिता भी जादूगर थे। हैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आता और अब हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है और ये वही लेटर होता है जो उसके अंकल ने उसे पुण्य नहीं दिया था और ये हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ से होता है। इसमें लिखा होता है कि तुम्हें हॉगवर्ट्स स्कूल में स्वीकार किया जाता है। हालांकि हैरी के अंकल और उसकी आंटी नहीं चाहते कि हैरी वहां पर जाए, पर वो हैग्रिड को नहीं रोक सकते। हैग्रिड हैरी को अपने साथ ले जाता है और वह हैरी से कहता है कि तुम्हें स्कूल के लिए जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी। इसलिए वह हैरी को एक अजीब सी जगह पर ले जाता है जहाँ सभी जादूगर होते हैं, जो सभी हैरी को देखकर हैरान और आश्चर्यचकित होते हैं। दरअसल जिसने हैरी के माँ बाप को मारा था उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, पर वो हैरी को नहीं मार पाया था और आज भी उस खाओ का निशान हैरी के सिर पर होता है। हैरी पॉटर के पास यहाँ पैसे नहीं होते। हैग्रिड उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़े होंगे, और वो उसे एक जादूगरी की बैंक ले जाता है। यहाँ पर हैरी के माँ बाप ने उसके लिए बहुत सारे सोने के सिक्के छोड़े होते हैं। इसके बाद हैग्रिड एक और तिजोरी तक जाता है और वहां से एक चीज उठाता है और हैरी को कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद हैरी पॉटर मार्केट में अपने स्कूल का सामान लेने जाता है। उससे एक जादू की छड़ी चाहिए होती है, इसलिए वह एक छड़ी की दुकान में जाता है। जादू की छड़ी का दुकान वाला कहता है कि छड़ी खुद अपने मास्टर को चुनती है और हैरी पॉटर को भी एक छड़ी चुन लेती है, जिसे देखकर दुकान वाला हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जिस पक्षी के पंख से इस छड़ी को बनाया गया है उस पक्षी ने सिर्फ 2 पंख दिए थे और तुम्हारे सिर पर जो छड़ी का निशान है वो इसी पंछी के पंख से बनाई गई थी। हैरी पॉटर पूछता है कि यह किसने किया। वो दुकान वाला कहता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इसके बाद हैरी हैग्रिड से मिलता है और उससे भी वही पूछता है कि मेरे सिर पर यह निशान किसने दिया, वह जादूगर कौन था जिसका यहाँ पर लोग नाम भी लेना नहीं चाहते। हैग्रिड से बताता है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, पर हैरी की जिद करने पर हैग्रिड उसे बता देता है कि उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है। वो एक महान जादूगर था पर उसने बुरी शक्तियों को पूजना शुरू कर दिया। कुछ जादूगर उसके खिलाफ हो गए और जो जादूगर उसके खिलाफ हो गए थे उसने उन सबको मार दिया, उसमें तुम्हारे माँ बाप भी थे। वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी पर वह तुम्हें नहीं मार पाया, इसलिए जादुई दुनिया में तुम पहले से ही फेमस हो। अगले दिन हैग्रिड हैरी पॉटर को रेलवे स्टेशन पर उसका टिकट देकर निकल जाता है, पर जब हैरी पॉटर टिकट देखता है तो उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 10 लिखा होता है। ये देखकर हैरी पॉटर हैरान होता है क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 10 कहीं भी नहीं होता। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बारे में बात कर रही होती है, और इसके बाद उसके बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में जो ग्लर होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। हैरी पॉटर भी ऐसे ही करता है और अब वहां पहुंच चुका होता है जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 है, जहां पर हॉगवर्ट्स स्कूल के लिए ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन में उसकी रोन, बिजली और हरमाइनी से दोस्ती हो जाती है। अब ये तीनों के तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर हेडमास्टर डंबलडोर होते हैं। ये उन तीनों में से एक है जो आज से 10 साल पहले हैरी पॉटर को उसकी आंट के घर के बाहर छोड़कर चले गए थे। स्कूल में इन सबको अलग अलग ग्रुप में शामिल किया जाता है। दरअसल यहाँ 4 अलग अलग ग्रुप हैं जिनके नाम है नाग शक्ति, गर्भद्वार, चिलघात और मेहनतकश। हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ये तीनों के तीनों गर्भद्वार का पार्ट बन जाते हैं। अब स्कूल में इन्हें जादू की अलग अलग तरह की कलाएं सिखाई जाती है। एक दिन इन्हें उड़ने वाले जादू को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कैसे उड़ाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ पर जो नाग शक्ति का एक लड़का है जिसका नाम मैलफॉय है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है क्योंकि वह बहुत ऊंचे खानदान से आता है, और जब वो यहाँ पर एक लड़की की बॉल ले लेता है तो हैरी पॉटर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो बॉल फेंक देता है। हैरी पॉटर अपने उड़ने वाली चाड़ू से जाकर उस बॉल को पकड़ लेता है, जो प्रोफेसर मैकगोनिगल देख लेती है। वह हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाती है और उसे गर्भद्वार का खोजी बना देती है। दरअसल यहाँ पर उड़ने वाले झाड़ू का एक खेल खेला जाता है जिसमें सभी ग्रुप्स के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस खेल में एक सुनहरी गेंद होती है और जिस भी ग्रुप का खोजी तीनों में से सबसे पहले इस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है वह जीत जाता है। हैरी पॉटर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि सुनहरी गेंद इतनी फास्ट होती है कि उसे पकड़ना आसान नहीं है। अब इनका गेम शुरू हो जाता है और जब हैरी पॉटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तभी उसकी झाड़ू अनस्टेबल हो जाती है। हरमाइनी देखती है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर स्नेप है वो हैरी पॉटर पर जादू कर रही है, वो उसके आसपास आग लगा देती है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हैरी पॉटर की झाड़ू एक बार फिर से स्टेबल हो जाती है और उस सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है। रेनी और रॉन वीजली जब अपनी क्लास जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो जादू सीढ़ियां होती है वो हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है।
एक दिन वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर किसी का भी जाना मना है, और एक तीन मुंह वाले खतरनाक जानवर को देखते हैं जो एक दरवाजे के पास बंधा होता है। दरअसल दरवाजे के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी ये जानवर रक्षा कर रहा है। दरवाजे के पीछे क्या है इन तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता। को जब हैरी पॉटर और रॉन वीजली जब खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर प्रोफेसर कोलिनस भाग कर आते हैं और वो सबको बताते हैं कि नीचे तहखाने में एक दैत्य घुसा है। हेडमास्टर डंबलडोर सबको अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। हैरी पॉटर और रॉन वीजली को याद आता है कि नीचे तहखाने में हरमाइनी है जो उनकी मित्र है। ये दोनों उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं। हरमाइनी के सामने एक बहुत बड़ा दैत्य होता है जिसे ये तीनों के तीनों बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह हरमाइनी की जान बच जाती है। को लगता है कि इन सब के पीछे प्रोफेसर स्नेप का हाथ है क्योंकि वो लंगड़ा कर चल रहे होते हैं। हैरी हरमाइनी और रॉन को कहता है कि शायद उसी ने उस दैत्य को खोला होगा के बाद वो उस खूंखार तीन मुख वाले जानवर के पास गए होंगे ताकि उस कमरे के अंदर वो उसको या किसी और चीज को चुरा सके। हरमाइनी पूछती है कि वहां पर ऐसी क्या चीज है। ये उसे बताता है कि जब मैं और हैग्रिड बैंक गई थी तब हैग्रिड ने वहां से एक लॉकर के अंदर से एक चीज निकाली थी और मेरे पूछने पर उसने कहा था कि ये हॉगवर्ट्स के काम की चीज है। हो ना हो दरवाजे के पीछे वही चीज है जिसके वह तीन मुख वाला जानवर रक्षा कर रहा है। इसके बाद ये तीनों के तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। हैग्रिड कहता है कि वहां पर जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। ये हेडमास्टर डंबलडोर और निकलस के आपस का मामला है और अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। हैरी पॉटर के लिए गिफ्ट आता है जो उसके पिता ने उसके लिए भेजा होता है। यह तोहफा उन्होंने मरने से पहले अपने दोस्त को दे दिया था और उसे कहा था कि जब हैरी पॉटर स्कूल में पढ़ने आए तब उसे ये दे देना। वो एक जादुई चोगा होता है जिसे पहनने के बाद कोई भी गायब हो सकता है। हैरी पॉटर उस चोगे को पहनकर गायब होकर उस लाइब्रेरी में जाता है जहां पर आम लोगों का जाना मना है। यहाँ पर वो निकलस की किताब को ढूंढ रहा होता है ताकि पता लगा सके कि दरवाजे के पीछे क्या है, पर उसे निकलस की किताब नहीं मिलती। अगले दिन हरमाइनी बताती है कि वो किताब मुझे मिल गई थी, मैंने कुछ दिन पहले उस किताब को पढ़ा था जिसमें निकलस ने लिखा था कि वो इकलौता ऐसा इंसान है जो उस पत्थर को बना सकता है। पारस पत्थर अगर किसी भी चीज को छुए तो वो सोने में बदल जाती है। साथ ही उस पारस पत्थर से एक ऐसी चीज बनाई जाती है जो अगर इंसान पी ले तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो तीन मुंह वाला जानवर उसी पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। रात को ही हैग्रिड से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ पता है। हैग्रिड कहता है कि प्रोफेसर स्नेप उन प्रोफेसर्स में से है जो पारस पत्थर की रक्षा करते हैं, ना कि उसे चुराना चाहते। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब जब ये अपने स्कूल वापस आते हैं तो उनके सल में प्रोफेसर मैक्रोनिगल होती है। दरअसल नाग शक्ति का लड़का जिसका नाम बेल्फो है जो इन तीनों से चिढ़ता है ने इनकी शिकायत लगाई होती है। प्रोफेसर मैक्रोनिगल कहती है कि उन तीनों को सजा के तौर पर अंधेरे जंगल में जाना होगा और बेल्फो को भी ऐसा करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि भले ही तुम्हारे इरादे नेक थे पर तुम भी रात को घूम रहे थे। अब ये चारों के चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस जंगल में पिशाच है और साथ ही यूनिकॉर्न भी। रास्ते में हैग्रिड भी मिल जाता है जिसे जंगल में कुछ काम होता है। जब ये जंगल में जाते हैं तो वहां पर हैग्रिड यूनिकॉर्न का खून दिखाता है। दरअसल इस जंगल में यूनिकॉर्न को कोई मार रहा है। ये दो टीम में बट जाते हैं। एक टीम में हैरी पॉटर और मैलफॉय होते हैं, वहीं दूसरी टीम में हैग्रिड हरमाइनी और रॉन वीजली होते हैं। जब मैलफॉय और हैरी पॉटर जंगल में आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर एक साया यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। मैलफॉय उसे देखकर भाग जाता है और अब वो साया हैरी पॉटर की तरफ बढ़ता है। हैरी पॉटर के सर पर जो घाव का निशान होता है उसमें बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये वोल्डेमोर है, वही जिसने हैरी पॉटर के मां बाप को मारा था। इसी ने हैरी पॉटर के सर पर ये जख्म दिया होता है। इससे पहले वो हैरी पॉटर को नुकसान पहुंचाता यहाँ पर एक यूनिकॉर्न आ जाता है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। वो वोल्डेमोर को यहाँ से भगा देता है और हैरी पॉटर को बताता है कि यूनिकॉर्न को मारना पाप है, जो भी इसका खून पीता है उसे आधा जीवन मिल जाता है। और अब हैरी पॉटर को सब कुछ समझ आ जाता है। वो तीन मुंह वाला जानवर जिस पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है वो वोल्डेमोर को चाहिए ताकि वो पारस पत्थर से बने लिक्विड को पीकर इस शराबी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल सके और अमर हो जाए। ऐसा करने वो उसका साथ प्रोफेसर स्नेप दे रहे हैं। वो पारस पत्थर प्रोफेसर स्नेप को अपने लिए नहीं बल्कि वोल्डेमोर के लिए चाहिए। ये तीनों इस बात को बताने के लिए हेडमास्टर डंबलडोर के पास जाते हैं पर इन्हें पता चलता है कि वो किसी काम से बाहर गए हैं और इससे पहले कि इस पारस पत्थर को प्रोफेसर स्नेप हासिल कर ले ये तीनों के तीनों तय करते हैं कि उस पारस पत्थर को हासिल कर लेंगे। रात को ये उस तरफ बढ़ चलते हैं जहाँ पर वो तीन मुंह वाला खतरनाक जानवर है, पर जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह सो रहा है। ये समझ जाते हैं कि इनसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। ये तीनों के तीनों दरवाजे की उस तरफ चले जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तभी इनके सामने एक जादुई शतरंज आ जाती है और अगर इन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो इन्हें शतरंज को खेलना होगा, इसे जीतना होगा। इसे खेलने के लिए इन्हें इस खेल का हिस्सा बनना होगा और अगर ये किसी सिपाही के सामने आ जाते हैं तो वो सिपाही इन्हें मार देगा। रॉन इस खेल को खेलता है और एक पल जब आता है उसे क्वीन के सामने अपनी नाइक को लेकर आना पड़ेगा जिसके ऊपर वो बैठा है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। हरमाइनी और हैरी ऐसा करने के लिए उससे मना करते हैं लेकिन रॉन कहता है कि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और जब मैं उसके सामने जाऊंगा और क्वीन मुझे मारेगी तो तुम क्वीन को चेकमेट कर देना और हम गेम जीत जाएंगे। इसके बाद रॉन क्वीन के सामने आ जाता है। वो क्वीन पर तलवार से हमला करता है जिससे रॉन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और तभी हैरी पॉटर जो नाइट के ऊपर बैठा होता है वो क्वीन को चेकमेट कर देता है और इस तरह इस गेम को जीत जाते हैं। अब ये रॉन के पास जाते हैं, हरमाइनी को उसी के पास रुकना पड़ता है क्योंकि वो बेहोश है और हैरी पॉटर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसे आगे प्रोफेसर स्नेप मिलेंगे जो यहाँ पर पारस पत्थर हासिल करने के लिए आए हैं, पर उसे यहाँ पर प्रोफेसर क्यूरेनियस मिलते हैं जिन्हें सब डरपोक समझते हैं और वो हैरी पॉटर को बताते हैं कि गेम के दिन प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे ऊपर जादू नहीं कर रहे थे बल्कि वो तुम्हें बचा रहे थे। जादू तो मैं कर रहा था, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन उन्होंने तुम्हें बचा लिया।
यूरेनियस ही है जो वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा है। वह हैरी पॉटर को बताता है कि जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे मेरे हाथ में पारस पत्थर दिखता है, पर असल में वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं पारस पत्थर को कैसे हासिल करूंगा। तभी एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि लड़की के जरिए। इसके बाद प्रोफेसर हैरी पॉटर को शीशे के सामने खड़ा होने के लिए कहता है और हैरी पॉटर देखता है कि उसने अपनी जिब में से पारस पत्थर को निकाला और वापस अपनी जिब में रख लिया। और अब वो अपनी जिब में जब हाथ लगाता है तो वहाँ सच में पारस पत्थर होता है। प्रोफेसर क्वेनिस से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। हैरी पॉटर झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं हेडमास्टर डंबलडोर से हाथ लगा रहा था। क्यूरेनियस बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और एक बार फिर से वही आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि मुझे इससे बात करने दो। इसके बाद प्रोफेसर क्यूरेनियस अपनी पगड़ी उठाते हैं और अपना सिर पीछे क्यूर करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके सर के पीछे एक और सर होता है और ये सिर किसी और का नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट का होता है, जिसने हैरी पॉटर के माता पिता को मारा था और हैरी पॉटर के सिर पर घाव का निशान दिया था। वह हैरी पॉटर से कहता है कि देखा, मैं एक कीड़े की जिंदगी जी रहा हूँ। यूनिकॉर्न का खून पीकर मैं आधा जीवन तो ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा जीवन पाने के लिए पारस पत्थर की जरूरत है जो इस वक्त तुम्हारी जिम है। वो हैरी पॉटर से ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे पारस पत्थर दे दिया तो मैं तुम्हारे माता पिता को वापस जिंदा कर दूंगा। और वो उसी आईने में उसे उसके माँ बाप को दिखाता है, लेकिन हैरी पॉटर जानता है कि ये सब धोखा है। वो उससे कहता है कि तुम झूठे हो। वोल्डेमॉर्ट क्यूरेनियस से कहता है कि इसे मार दो। क्यूरेनियस हैरी पॉटर का गला दबाता है, लेकिन जब हैरी पॉटर उसके हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ गलना शुरू हो जाता है, इसलिए वह पीछे हट जाता है। पर एक बार फिर से हैरी पॉटर पर हमला कर देता है। इस बार हैरी पॉटर उसका चेहरा पकड़ लेता है जिससे वह पूरी तरह से गल जाता है। और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी पॉटर से टकरा कर यहां से निकल जाती है। हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने हेडमास्टर डंबलडोर होते हैं। वो हैरी पॉटर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और हमने पारस पत्थर को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। पारस पत्थर क्यूरेनियस को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने उसे इसी तरह बनाया था कि ये उसी को मिल सकता था जो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और क्योंकि क्यूरेनियस इसका इस्तेमाल करना चाहता था इसलिए उसे पारस पत्थर नहीं मिला। हैरी पॉटर जानना चाहता है कि उसके छूने से क्यूरेनियस क्यों गलना शुरू हो गया था। डंबलडोर उसे बताते हैं कि यह तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। और जब इस तरह की कुर्बानियां होती है तो वो उस इंसान के अंदर अपना असर छोड़ जाती है जो इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहता है। हैरी पॉटर पूछता है कि वो क्या है। डंबलडोर कहते हैं कि प्यार, जो तुम्हारी मॉम का तुम्हारे लिए था। इसके बाद वो यहां से चले जाते हैं। अब रोन और हरमाइनी भी हैरी पॉटर के पास आते हैं। रोन अब पूरी तरह से ठीक होता है। अब इनका स्कूल में पूरा एक साल बीत चुका है, इसलिए इन्हें इन सब के ग्रुप का रिजल्ट बताया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर हैरी पॉटर, हरमाइनी और रोन का ग्रुप आता है जिसका नाम गर्भद्वार है। अब समर की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। हैरी पॉटर भी अपने अंकल और आंट के घर जा रहा है, पर हैरी पॉटर को उसका अपना असली घर मिल चुका है और वो है हॉगवार्ट्स। इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।